कायम चो मजामा भाई लोग, गैंगोर ये शब्द पहली बार 1970 के दशक में सुनाई दिया था और इटली के शहर मिला में छोटे मोटे गैंग बन चुके थे। उनके बीच में अक्सर इलाकों को लेकर गैंगोर होता था और 1973 में गैंगोर पर फिल्म भी बनी। रे मामा, गैंगोर मर्डर, विरोधी, वसूली, कब्जा, ये सब क्राइम वर्ल्ड के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनमें कुछ हासिल हो या ना हो लेकिन नुकसान जरूर होता है इंसानी शरीर के खून के रूप में। बाबा, गैंगोर होने की कई वजह हो सकती है, जैसे इलाके में वर्चस्व कायम करना, दहशत फैलाना, ढेर सारा रुपया पैसा बनाना, कई बार बदला लेने के लिए भी गैंगोर होती है। आजकल तो बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्में भी गैंगोर पर बेस्ड होती है। गैंगोर पर बनी ये फिल्में कितने लोगों ने देखी होंगी नहीं मालूम, लेकिन कुछ ही सालों में इन फिल्मों का रियल वर्जन पंजाब में देखने को मिला है। पंजाब अंडरवर्ल्ड के हेड गैंगस्टर लोग जेल में बैठकर या विदेशों में रहकर पंजाब में अपराध को अंजाम दिलवाते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। पंजाब में इन हत्याकांडों पर गौर करें तो पिछले कई सालों में जितने भी बड़े बड़े हत्याकांड हुए वे सारे लोग पावरफुल थे, कोई सिंगर था तो कोई मशहूर खिलाड़ी या फिर कोई राजनीति से जुड़ा था। जब इन हत्याकांडों की बात हो तो पंजाब का सुखमित डिप्टी हत्याकांड आंखों के सामने दिल दहला देने वाला मंजर खड़ा कर देता है। भाई लोग, इस खौफनाक हत्याकांड की कहानी आज से एक साल पहले रची गई थी। पंजाब का मेगा सिटी जलंधर, इसी जलंधर में रहता था एक बंदा, नाम था सुखमित सिंह डिप्टी, जो यूथ कांग्रेस का पूर्व प्रधान भी था। वहीं कुछ साल पहले वह पार्षद भी रह चुका था। कहते हैं कि उसने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा गलती कर दिया था। उसने कुछ साल पहले किसी का अपहरण किया था, जिसे मिक्की अपहरण कांड कहा जाता है, जो उस वक्त हाई प्रोफाइल केस बना हुआ था। इस केस में डिप्टी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वह सजा काट कर बाहर आया, अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने लगा। कहते हैं कि जेल से आने के बाद वह समाज में फैले ड्रग्स के नशे को खत्म करने की ओर चल पड़ा था। डिप्टी कहीं नशा तस्करों और कहीं गैंगस्टरों को नशा तस्करी से रोकता था और इन अपराधियों की जानकारी पुलिस को देता था। इसी कारण डिप्टी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन वो भी जिद्दी था ना, नशा तस्करों को जड़ से उखाड़ने में लगा रहा। 20 जून 2021 का वह दिन था। सुखमित डिप्टी अपने घर से अपनी बुलेट बाइक लेकर निकला था, क्योंकि उसे अपने दोस्त के घर जाना था जहाँ किसी की बर्थडे पार्टी थी। सुखमित डिप्टी की बुलेट गोपाल नगर की दाना मंडी के पास पहुंची। वोइची डैम पे एक स्विफ्ट कार उसके पीछे लग गई, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में कौन सोचता है, वो तो अपनी धुन में बुलेट चला रहा था। जैसे ही उसकी बुलेट कृष्णा मुरारी मंदिर के पास पहुंचेगी, पीछे आ रही स्विफ्ट कार ने बुलेट को टक्कर मारी। डिप्टी लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा। वोइची डैम पे स्विफ्ट में सवार तीनों हमलावरों ने डिप्टी के ऊपर अंधाधुन 13 राउंड गोलियां बरसाई। इधर हमलावर रफू चक्कर हो गए। इस भयानक सीन को देख सैकड़ों लोगों की भीड़ मौकाए वारदात पर इकट्ठी हो गई। उस वक्त जलंधर के पुलिस कमिश्नर थे गुरप्रीत सिंह भुल्लर। जानकारी मिलते ही कमिश्नर समेत पूरा काबिला मौकाए वारदात पर पहुंचा। इधर डिप्टी को सत्यम हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इधर कमिश्नर की टीम ने मौकाए वारदात से बुलेट के 13 खोखे बरामद किए। पूरा एरिया सील कर दिया गया। इधर पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी थी, तभी फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड होता है जिसने पुलिस जांच की दिशा ही बदल दी। अज हुणे हुणे एक इंसीडेंट रिपोर्ट होया, मैं भी इत्थे मौके ते खड़ा। इहदे विच सुखमीत सिंह डिप्टी सीगा, वो इत्थों अपने घरों सावन नगर तो जिहड़ा निकल के इधर नूं जा रिहा सीगा जी गोला साइड नूं, इत्थे उहदे मोटरसाइकिल ते जा रिहा सी। उहदे मोटरसाइकिल नूं उहनूं पिछों स्विफ्ट कार ने जिहड़ा उहनूं फॉलो कीता। इस जगह ते आ के उहनूं हिट करके थल्ले सुट्टिया। उहदे बाद इमीजिएटली उत्ते फायरिंग करती, जिस दे नाल उहदी जिहड़ी उहनूं करीब फायर लगन दे नाल उहदा हुण उह एक्सपायर हो गया। हुण असीं इत्थे मर्डर दा केस दर्ज करके ते जिहड़ा आपां तफ्तीश इहदी करते हां। दरअसल फेसबुक पर दविंदर बम्बिया ग्रुप द्वारा एक पोस्ट अपलोड की गई, जिसमें सुखमित डिप्टी हत्याकांड की जिम्मेवारी लेते हुए कहा गया कि डिप्टी हमारे आड़े आ रहा था, हमने उसे एक बार समझाने की कोशिश की पर उसने बोला कि
तुमसे जो हो सकता है वह कर लो, तो हमसे जो हुआ हमने कर लिया। इस पोस्ट के साथ जलंधर पुलिस ने दविंदर बम्बिया गैंग के जुड़े गैंगस्टरों को जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर उठाया। तब पता चला कि इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाने वाला अर्मेनिया में बैठा लक्की पटियाल था। उसने हरियाणा से शार्प शूटरों को हायर किया था। बाद में पुलिस ने उन शूटरों को भी पकड़ा जिन्होंने डिप्टी पर गोलियां बरसाई थी। उनके नाम है जलंधर का पुनीत, गुड़गांव का गैंगस्टर माले और एक पंजाबी शूटर था, और गुड़गांव का गैंगस्टर माले कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया को मारने आए शूटरों में शामिल था। तो भाई लोग, ये थी सुखमीत डिप्टी हत्याकांड की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।